बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 फर्स्ट टर्म का जो पेपर है साइंस का ग्रेड 7 का, वो आपके सामने आ चुका हुआ है। साइंस ग्रेड 7 पैक की जानिब से जो पेपर लिया जाना था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो आपके सामने मौजूद है, जिसमें 10 एमसीक्यूज मौजूद होगी। हर एमसीक्यूज का 1.5 नंबर मिलेगा आपको और 15 नंबर मिलेगा आपको 10 एमसीक्यूज के, टोटल 50 नंबर हो गए। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव के अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो हमारे पास मौजूद है, वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका दुरुस्त जवाब मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब मिलेगा। क्वेश्चन 8 के अंदर ऑप्शन बी जो है इसका दुरुस्त जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब मिलेगा और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्ट ए दिया हुआ है, उसमें उर्दू मीडियम वालों के लिए जवाब ये उर्दू में लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जवाब इंग्लिश में 2 लाइनें लिखी हुई है। सेकेंड पार्ट में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जवाब इस तरफ लिखा हुआ है, उर्दू मीडियम का जवाब ये इस तरफ मौजूद है। और इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जवाब यहाँ पे मौजूद है, उर्दू मीडियम वालों के लिए जवाब जो है वो यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट नंबर 12 है, उसमें इंग्लिश मीडियम का जवाब यहाँ पे मौजूद है, उर्दू मीडियम का जो जवाब है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो मॉडल आंसर होते हैं यहाँ से आपका जो पेपर है आंसर है वो आपका स्टार्ट होगा। ये ऊपर रबरिक लिखा हुआ है ये आप लोगों ने नहीं लिखना, ये जस्ट टीचर्स के लिए इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका इंग्लिश मीडियम में जवाब इस तरफ मौजूद है, उर्दू मीडियम में जवाब इस तरफ मौजूद है, इसमें भी आपने वही ध्यान रखना कि जो रबरिक्स है वो आप लोगों ने नहीं लिखनी, मॉडल पेपर का जो मॉडल आंसर है जो आपका वो आप लोगों ने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्वेश्चन ए का जो जवाब है वो इस तरफ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, उर्दू मीडियम वालों के लिए यहाँ पे मौजूद है। ऐसे सेकेंड पार्ट का इंग्लिश मीडियम में जवाब यहाँ पे है, उर्दू मीडियम का जो जवाब है वो यहाँ पर मौजूद है। ऐसे जो लास्ट पार्ट दिया हुआ है उसके अंदर जो इंग्लिश मीडियम का जवाब वो ये है यहाँ से स्टार्ट होता है, उर्दू मीडियम का जवाब यहाँ से ये जवाब स्टार्ट होता है। और इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो इंग्लिश मीडियम का जवाब है वो ये वाला है और उर्दू मीडियम का जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसे तरीके से तैयार करना है, स्क्रीन शॉट इनकी ले लिया करें और उनको तैयार किया करें। ये थी मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस की ग्रेड 7 की जो आपके साथ हमने शेयर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 फर्स्ट टर्म का ये साइंस ग्रेड 7 का वर्जियन नंबर है 2। स्कूल बेस्ड असेसमेंट साइंस का ग्रेड 7 का ये सेकंड वर्जियन है, जिसके अंदर कहा जा रहा है ऑब्जेक्टिव 10 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, 1.5 मार्क्स का एक एमसीक्यूज होगा, 15 मार्क्स के ये 10 एमसीक्यूज हो गए, सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का पेपर है, टोटल 30 नंबर का ये पेपर है, टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिया जाएगा इसे सॉल्व करने के लिए। अगर हम ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएं तो ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के किस हिस्से में गैसों का तबादला होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है। सेकंड का जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका दुरुस्त जवाब है। थर्ड के अंदर जाए तो ऑप्शन नंबर सी वॉवल्स इसका दुरुस्त जवाब है। फोर के अंदर ऑप्शन नंबर ए डिफ्यूजन इसका दुरुस्त जवाब है। फाइव के अंदर स्टोमेटा ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। सिक्स के अंदर ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन्स दुरुस्त जवाब है। सेवन के अंदर ऑप्शन नंबर डी 183 मास नंबर इसका दुरुस्त जवाब है। 8 के अंदर ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त जवाब है। 9 के अंदर ऑप्शन नंबर सी और 10 के अंदर ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर सवाल नंबर 11 है, जिसके 3 पार्ट दिए हुए हैं, 1 2 नंबर का क्वेश्चन है और नेक्स्ट 2 जोन है वो 4 4 नंबर के क्वेश्चन है, मीन्स के क्वेश्चन नंबर 11 जोन है वो टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। 3 सवाल दिए गए हैं, आपने इसे सॉल्व करना है, तो देखते हैं हम इसके आंसर को। सवाल नंबर 11 के अंदर पहला क्वेश्चन है, सर्कुलेटरी सिस्टम में वेन्स का किरदार बयान करे, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर उर्दू मीडियम के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम का आंसर यहाँ पे ये दिया हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दिल के 4 खानों के आपने नाम बताने हैं, तो उर्दू मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है, इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे मॉडल आंसर दिए हुए हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है हार्ट अटैक कैसे होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, उर्दू मीडियम के अंदर जवाब यहाँ पे मौजूद है और इंग्लिश मीडियम के अंदर जवाब यहाँ पे ये मौजूद है। सवाल नंबर 12 के अंदर कहा जा रहा है एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद अहम ज़रात के नाम लिखे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो ज़रा था जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ये इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट मेरे पास 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपने लिखना है, उर्दू मीडियम के अंदर आंसर यहाँ पे है और इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर यहाँ पे ये मौजूद है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सोडियम एटम की साख्त बनाए और इसमें मौजूद प्रोटोन्स न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी लिखे, उर्दू मीडियम के लिए जवाब यहाँ पे मौजूद है और इंग्लिश मीडियम के अंदर जवाब यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 है वक्त के साथ अडेप्टिव इम्यूनिटी का आपने सिस्टम तैयार कैसे होता है वो बताना है, उर्दू मीडियम के अंदर आंसर यहाँ पे है, इंग्लिश मीडियम का आंसर यहाँ पे ये मौजूद है।
तस्वीर की मदद से फेगोसाइटोसिस की वजाहत आपने करनी है। फेगोसाइटिस के अंदर उर्दू मीडियम का आंस यहाँ पे होगा और इंग्लिश मीडियम का आंस यहाँ पे ये मौजूद है। नेक्स्ट इसका कहा जा रहा है इम्यून सिस्टम के अंदर मजाजा जार कसूल की वजाहत आपने करनी है, थाइमस की, स्प्लेन की और एडिनॉइड्स की। तो मेरे पास इसका आंस उर्दू मीडियम के अंदर यहाँ पे मौजूद है और इंग्लिश मीडियम के अंदर आंस यहाँ पे ये मौजूद है। ये तो मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस ग्रेड 7 सेशन नंबर 2 के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस ग्रेड 7 ये फर्स्ट टर्म का पेपर है, ये वर्जन नंबर 3 है। वर्जन नंबर 1 और वर्जन नंबर 2 पहले ही इसी चैनल के ऊपर अपलोड हो चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर हमें 10 एमसीक्यूज मिलेंगे, 15 मार्क्स की ये ऑब्जेक्टिव होगी, सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का पेपर है, टोटल 50 नंबर का ये पेपर है। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम के किस हिस्से में गैसों का तबादला होता है, जिसका ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है। इंसानी दिल के कितने चैम्बर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। थर्ड है नब्ज की रफ्तार से डैश मैच की जा सकती है दिल की धड़कन की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 4 के अंदर कहा जा रहा है रूट हेयर पानी और मिट्टी में हलशुदा नमकियात को किस अमल के जरिए जजब करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। शलजम में पत्तों से जर की तरह खुराक की हरकत डैश की वजह से होती है, इसका ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। मुतजा जैल में से कौन से पार्टिकल्स न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 7 है कार्बन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर बिलतरतीब डैश है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। 8 है दर्ज जैल में से कार्बन की एटमी साख कौन सी है, इसका ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त जवाब है। फंजाई से पैदा होने वाली बीमारी की शनाख्त करें, ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। मुतजा जैल में से पैथोजीन्स के खिलाफ जिससे में केमिकल बैरियर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब है। ये थी मेरे पास सब्जेक्टिव, नेक्स्ट हम इसकी सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। सवाल नंबर 11 दिया गया है हमारा मादा क्या काम करता है, मादा खुराकी हजमी रतूबत के साथ मिलाता है, ये प्रोटीन्स के डाइजेशन और जरासिम को हला करने में मदद देता है। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी, आंसर दिया हुआ है इंसुलिन इज द केमिकल डैट इज प्रोड्यूस इन आवर पेनक्रीज, इंसुलिन हेल्प टू रिड्यूस ब्लड शुगर। अगर 4 नंबर का सवाल दिया हुआ है कब्ज से बचाव की कोई सी 4 एहतियाती तदाबीर बयान करें, मुनासिब अंदाजे जिंदगी अपनाकर, बाकायदगी से वर्जिश करके, फाइबर से भरपूर खुराक, फल सब्जियां और अनाज खाकर, काफी मकदार में पानी पीकर, रोजाना करीबन 8 गिलास, जब हाजत हो तो वाशरूम जाकर। सवाल नंबर 12 दिया गया है पास नंबर से क्या मुराद है, इसका सिंबल और फार्मूला लिखे, जवाब दिया हुआ है एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का मजमुआ इसका मास नंबर कहलाता है, इससे ए से जाहिर करते हैं। फार्मूला दिया हुआ है प्रोटॉन्स की तादाद प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद इज इक्वल है मास नंबर। 6 नंबर का सवाल दिया गया है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कोई सी 2 खसूसियात बयान करें, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर मनफी चार्ज होता है, इसका मास इंतहाई कम होता है, प्रोटॉन्स का लिखा हुआ है प्रोटॉन पर मुस्बत चार्ज होता है, किसी एटम में प्रोटॉन्स की तादाद एटम में न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर होती है, एक प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास की निस्बत 1837 गुना ज्यादा होता है। नेक्स्ट मेरे पास ये न्यूट्रॉन्स के 3 पॉइंट दिए हुए हैं। सवाल नंबर 13 के अंदर कहा जा रहा है इन्फेक्शन से बचने के कोई से 3 तरीके लिखे, उर्दू मीडियम के अंदर आंस यहाँ पे है, इंग्लिश मीडियम का आंस यहाँ पे ये मौजूद है। नेक्स्ट पार्ट है जी कम अज कम 4 जिस्मानी रुकावटें बयान करें जो हमें नुकसान असरा से महफूज रखती है, उर्दू मीडियम के अंदर आंस यहाँ पे है, इंग्लिश मीडियम का आंस यहाँ पे ये मौजूद है। नेक्स्ट दिया जा रहा है जी इन्फ्लेमेटरी जद्द अमल की वजाहत करनी है, उर्दू मीडियम के अंदर आंस यहाँ पे है, इंग्लिश मीडियम का आंस यहाँ पे ये मौजूद है। बोन मेरो का क्या काम है, उर्दू मीडियम के लिए आंस यहाँ पे है, इंग्लिश मीडियम के लिए आंस यहाँ पे ये मौजूद है। ये था मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस ग्रेड 7 सेशन नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस ग्रेड 7 फर्स्ट टर्म का ये पेपर है, ये सेशन नंबर है 4, यानी के वर्जन नंबर 4 आपके सामने आ चुका हुआ है। पहले 3 वर्जन पहले ही इसी चैनल के ऊपर अपलोड हो चुके हुए हैं, उसकी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर हमें 10 एमसीक्यूज मिलेंगे, पहला जिम दर्जा दर में से कौन सा अमल हमें अपने जिस्म में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है, इसका ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। दी गई तस्वीर के लेबल हिस्सा एक्स की आपने शनाख्त करनी है, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। थर्ड के अंदर नब्ज की रफ्तार डैश से पेमाइश की जा सकती है, ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त जवाब है। पत्ते का कौन सा हिस्सा गैसों के तबादले में मदद करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 5 दिया जा रहा है पत्ते की मिडरिब और वेंस में कौन सी ऐसी 2 साख्ते हैं जो कि पानी और खुराक के सारे पत्ते में तरसील करती है, ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है। मतदाल में से कौन बुनियादी पार्टिकल्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। 7 के अंदर कहा जा रहा है कार्बन का एटॉमिक और मास नंबर आपने बताना है, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है।
तस्वीर में कौन सा आइटम किस साग दिखाई गई है? ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। तस्वीर में दिखाए गए माइक्रो ऑर्गेंस के ग्रुप की शिनाख्त करें। ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। इम्यूनिटी की कौन सी किस्म किसी शख्स में पैदाइश के वक्त मौजूद होती है? इसका ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है। ये थे मेरे पास ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हम इसकी सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। सवाल नंबर 11 के अंदर पहला क्वेश्चन है जी, हमारा मादा क्या काम करता है? दो नंबर का ये क्वेश्चन है, मादा खुराक को हजमी रुतुबत के साथ मिलाता है या प्रोटीन्स की डाइजेशन और जरासीम को हला करने में मदद देता है? हमारे जिस्म में इंसुलिन का क्या करदार है? इंसुलिन एक केमिकल मादा है जो हमारे पैंक्रियाज में पैदा होता है। इंसुलिन खुराक में शुगर का लेवल कम करने में मदद देता है। कब्ज की बचाव की कोई सी चार इत्याज तदाबीर आपने बतानी है। उर्दू मीडियम के लिए आंस यहाँ पे है, इंग्लिश मीडियम का आंस यहाँ पे ये मौजूद है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, एक एटम का मास नंबर मालूम करने का फार्मूला आपने बताना है। प्रोटॉन्स की तादाद प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद इज इक्वल है मास नंबर के, इसका फार्मूला है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर की आपने तारीफ करनी है। दो दो नंबर का ये क्वेश्चन है और सिंपल भी साथ में लिखना है। उर्दू मीडियम के लिए आंस यहाँ पे ये मौजूद है, इंग्लिश मीडियम का आंस यहाँ पे ये मौजूद है। सोडियम एटम और ऑक्सीजन एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद आपने लिखनी है। चार नंबर का ये क्वेश्चन है, उर्दू मीडियम के लिए आंस यहाँ पे है और इंग्लिश मीडियम के लिए आंस यहाँ पे ये मौजूद है। सवाल नंबर 13 कहा जा रहा है, कोई से तीन ऐसे वायरसेस के नाम लिखे जो इंसानों में बीमारियां फैलाते हैं? उर्दू मीडियम के लिए आंस यहाँ पे है, इंग्लिश मीडियम के लिए आंस यहाँ पे मौजूद है। एक्टो और पेस्ट इम्यूनिटी में कोई से दो फर्क आपने बताने हैं? उर्दू मीडियम के लिए आंस यहाँ पे मौजूद है, इंग्लिश मीडियम के अंदर आंस यहाँ पे ये मौजूद है। नेक्स्ट आपने इसकी वजाहत भी करनी है, तो वजाहत के लिए चार नंबर का क्वेश्चन ये मौजूद है, उर्दू मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए आंस यहाँ पे ये मौजूद है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, केमिकल बैरियर के तौर पर गैस्ट्रिक जूस और लाइसोजिम का करदार आपने लिखना है। उर्दू मीडियम के लिए आंस यहाँ पे है और इंग्लिश मीडियम का आंस यहाँ पे ये मौजूद है। ये थे मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस की ग्रेड 7 की वर्जन नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस ग्रेड 7, ये फर्स्ट टर्म का ये पेपर है, ये वर्जन नंबर 5 है। पहले चार वर्जन पहले ही अपलोड हो चुके हैं, ये पांचवा वर्जन आपके सामने आ चुका हुआ है, जिसके अंदर 10 एमसीक्यूज है, 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव, टोटल 50 नंबर है और टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिया जाएगा। पहले एमसीक्यूज है, मदद में से कौन सा अमल हमें अपने जिस्म के ऑक्सीजन ले जाने में मदद देता है? तो ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है, इंसान दी दिल के ब्लाइज चैम्बर्स डैश कहलाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। कौन सी ब्लड वेसल्स खून को दिल से जिस्म की तरफ ले जाती है? ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। रूट हेयर्स पानी और मिट्टी में हलशुदा नमकियात को किस तरह किस अमल के जरिए जज़ब करता है? ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। शलजम में पत्तों से जड़ की तरफ खुराक की हरकत डैश की वजह से होती है? ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। मतदाजल में से कौन से पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। टंगस्टन में 74 प्रोटॉन्स और 102 न्यूट्रॉन्स है, इसका मास नंबर क्या है? तो वह है 183। दरअसल में से कार्बन की एटमिक साख्त कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। फंजाई से पैदा होने वाली बीमारियों की आपने शिनाख्त करनी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। इम्यूनिटी की कौन सी किस्म की किसी शख्स में पैदाइश के वक्त मौजूद होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट हम इसकी सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। सब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 है जी, जड़ जमीन से पानी किस तरह जज़ब करती है? जड़ों की साख्त पानी को जज़ब करने में अहम करदार अदा करती है। जड़ के ऊपर मौजूद रूट हेयर जमीन से पानी और नमकियात जज़ब करते हैं। पौधे के तने के मुख्तलिफ हिस्सों के अफाल आपने बताने हैं। बहुत से पौधों के तने के गिर्द पानी के जिया को काम करने के लिए एक मोटी तय क्यूबिटिकल होती है। पौधों में छाल भी पानी के जिया को काम करती है। तने में फ्लोएम टिश्यू पत्तों में बनी खुराक को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ज़ाइलम टिश्यू जड़ों से पानी को पत्तों तक ले जाते हैं। नेक्स्ट जी, पौधे खुराक को पत्तों से दूसरे तक कैसे पहुँचाते हैं? उर्दू मीडियम के लिए आंस यहाँ पे है, इंग्लिश मीडियम के लिए आंस यहाँ पे ये मौजूद है। सवाल नंबर 12 है जी, एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद अहम ज़रात के अपने नाम लिखने हैं, तो वह प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो ज़रात है जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जी देखिए, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपने बताना है, तो ये उर्दू मीडियम के लिए आंस दिया है और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए आंस दिया गया है। नेक्स्ट, सोडियम एटम की आपने साख बतानी है, इसके अंदर मौजूद प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बतानी है। उर्दू मीडियम के लिए आंस ये एक लाइन दिखा हुआ है और इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। नेक्स्ट जी, कोई से तीन लिम्फाइटिड ऑर्गन्स की आपने नाम बताने हैं? उर्दू मीडियम के लिए आंस यहाँ पे है, इंग्लिश मीडियम के लिए आंस यहाँ पे ये मौजूद है। आपकी राय के मुताबिक हम खुद को इन्फेक्शन से कैसे बचा सकते हैं? साबुन के साथ हाथ धोना, रोज़ाना नहाना, घर स्कूल और इर्द गिर्द को साफ रखना, हर हफ्ते नाखून तराशना, ताज़ा खाना खाना, जख्मों को डांपना। नेक्स्ट मेरे पास कहा जा रहा है जी, एनोप्लाइटिस वायरस के मुख्तलिफ हिस्सों के आपने नाम बताने हैं, वो जी स्पाइक्स, जीनोम, कैफिसडा और एनोलिप। ये मेरे पास उर्दू मीडियम में है, यहाँ पे मेरे पास इंग्लिश मीडियम में है। दिए गए पैथोजीन से होने वाली कोई से दो इन्फेक्शन के आपने नाम बताने हैं, उर्दू मीडियम के लिए आंस यहाँ पे है और इंग्लिश मीडियम के लिए आंस यहाँ पे ये मौजूद है।
ये मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस की ग्रेड 7 के लिए, और ये है वर्जन नंबर 5। अगर आप 5 वर्जन कर देते हैं तो आपका जो पेपर है वो आसानी के साथ हल हो जाता है।